यहाँ पर जो मुझे बाद में पता लगा था, उस टाइम नहीं पता लगा था, जब मैं एडमिशन के लिए गया था रिसेप्शन पे उस स्कूल में, तो अभी जो मेरी वाइफ है उसने मुझे देखा था और उसने मन ही मन सोचा था कि अगर ये आ गया हमारे स्कूल में तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन लेकिन ये बात मुझे पता नहीं थी, अगर पता होती तो मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती एक डेढ़ साल तक। तो ये मुझे बहुत बाद में पता लगी। तो वो हमारा पहला कॉन्टैक्ट था, मतलब जब उसने मुझे देखा था, मैंने उसे नहीं देखा था। फिर जब मैं स्कूल में गया और मेरा पहला दिन था, तब जब मैंने भी उसे देखा तो मेरे भी अंदर से कुछ ऐसी ही फीलिंग हुई, काश के व्हाटएवर। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरी औकात से बहुत ऊपर है, तो क्योंकि मेरी जो सेल्फ एस्टीम थी वो बहुत ही लो थी। मतलब मैं खुद को इतना गया गुजरा समझता था, इतना बेवकूफ़ समझता था जिसकी कोई हद नहीं है, कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी थी कुछ ना कुछ, सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी। कि मेरे बाल अभी तो थोड़े ब्लैक से दिख रहे हैं आपको, उस टाइम पे काफ़ी ब्राउन होते थे और बड़े ऐसे फ्लिक निकलता था ये करके, ये ऐसे ऐसे वो बड़े बड़े बाल चलते थे व्हाटएवर। तो वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैं जेन्युइनली अंदर से सोचता था, जैसे स्कूल की लाइन होती थी ना वहाँ पहले वाले स्कूल में 10th तक, कि भाई मेरे बाल ब्राउन क्यों हैं, शायद इसीलिए मेरे से कोई बात नहीं करता है, कि सबके ब्लैक है मेरे ब्राउन है, मैं इतना फेयर क्यों हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फेयर था, अभी भी हूँ, लेकिन आप लगा सकते हो आइडिया कि पहले तो और भी ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा होगा। तो मैं सोचता था मैं इतना फेयर क्यों हूँ, काला क्यों नहीं हूँ। तो मैं बड़ी कोशिश करता था काला होने की, लेकिन हो नहीं पाता था, पता नहीं क्या डिफेक्ट था स्किन के अंदर या व्हाटएवर। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी थी वो भी मुझे नेगेटिव लगती थी, इतनी सेल्फ एस्टीम मेरी लो थी। तो मेरे माइंड में यही आया, मैंने कहा यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। बट समहाउ द अदर वी बिकेम फ्रेंड्स। 11th में 5-6 महीने तक हम फ्रेंड्स रहे थे। उसको भी मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि मैंने उसको बोला कि हाँ भाई चल बंक मारे गर्ल स्कूल से, तो उसने कह दिया हाँ ठीक है बंक मारते हैं। तो पहली बार क्या हुआ था कि बंक मारने के लिए मुझे लगा वो नहीं आएगी, बट वो आ गई बंक मार के स्कूल से, मैं स्कूल पहुंच गया। उस गली का नाम आज भी हमने रखा हुआ है 7 से 7:30 वाली गली। सुबह 7 से 7:30 तक वो वहाँ पर अकेली बेचारी भटकती रही, फिर वो अपने घर चली गई। तो मतलब इतना अजीब सा एक सिचुएशन हुआ था, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो आ जाएगी। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा भैया ये तो मज़े आ गए और क्या चाहिए। हाँ, फिर हमने इकट्ठे स्कूल से बंक मारने शुरू करे थे। अब ये मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये अब वैसे स्कूल से तो आप लोग निकल चुके हो, हाँ, तो जो स्कूल में हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा ऐसा कुछ मत करिए प्लीज़। हाँ, तो मेरा 11th तो ऐसे ही निकला। 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि मेरे अंदर से एक पढ़ने का मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया। मैंने बताया भी था अपने एक सेशन में, पावर ऑफ फोकस वाले सेशन में, क्या हुआ था अपने फ्रेंड के साथ में, सिगरेट विगरेट बहुत पीता था, तो सुट्टा मार रहा था और ये वो बातें हुई और ऐसे करके, तो अंदर से आ गया कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है। तो उस टाइम पे फिर 12th में मैंने पूरा अपना फोकस डाल दिया पढ़ाई के ऊपर, और उसकी वजह से मेरा और इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया। क्योंकि ये कहती कि अच्छा पढ़ाई ठीक है पढ़ लो, लेकिन ये थोड़ी कि मुझे बिल्कुल ही तुमने छोड़ दिया। तो मेरा ये था कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वहाँ पर भी कुछ बड़ा मज़ेदार हुआ कि ये इतना नहीं पढ़ती थी, ये अपना चिल्ड आउट रहती थी अपना लाइफ में, ठीक है। मेरे को भी कहती थी कि नहीं तुम आराम से लो ना, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और मैंने बहुत सीरियस होकर के डेली पता नहीं कितने कितने घंटे पढ़ाई करी, और 12th में मेरे आए 85%, और हमारे स्कूल में टॉप किया इसने। और तब भी मेरी बड़ी ईगो हर्ट हो गई थी, मैं बड़ा अजीब सा कैरेक्टर था उस टाइम पे। मैंने कहा ये क्या हुआ है, मैंने तूने बताया भी नहीं कि तू इतना पढ़ रही है। और वो पढ़ाई में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी भी नहीं, मतलब 11th में क्या हुआ था, उसकी दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई थी। ऑल्दो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हमारा जो अफेयर था वो फैल गया था पूरे स्कूल में, प्रिंसिपल तक और यहाँ वहाँ। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी हमारे स्कूल वालों की उधर की, कि जब भी ऐसा कुछ हो तो एक को बाहर कर दो स्कूल से, समझ गए। तो मेरे को बाहर करने की उनमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा कांड किया था 11th स्टैंडर्ड में, तो वो पूरे स्कूल में सबको पता था। डू यू वॉन्ट टू नो कि क्या कांड किया? दैट वॉज ऑल्सो टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो बता देता हूँ उसमें क्या हुआ था कि मैं जिस स्कूल से आया था वहाँ पर इतने बड़े बच्चों को मारते नहीं थे, मतलब कि 10th 11th में नहीं मारते थे। हाँ बचपन में तो बहुत मार खाई है, 4th 5th 6th में तो बहुत पिटाई होती थी, लेकिन 10th 11th 12th में मैंने वहाँ पर नहीं देखा था उस स्कूल में किसी को मारते हुए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल था कि आप 11th में हो 12th में हो, पिटाई होगी तो होगी, रोज़ होनी ही होनी है पिटाई। मतलब ऐसा स्कूल था ये, इतनी ज़्यादा यहाँ पे दहशत फैलाई हुई थी कुछ लोगों ने। उसमें से एक पीटी सर थे जो ये टिपिकल जो होते हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरे को आदत थी नहीं मार खाने की, क्योंकि बाहर भी मैंने बताया कि मेरे लड़ाई झगड़े बड़ी जल्दी हो जाते थे, ज़रा सा भी कुछ होता था तो मार पिटाई ये वो शुरू हो जाता था एक मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको पता नहीं था, इनको सर को, तो इनके अभी अंदर कहीं ना कहीं से आया होगा कि यार लड़का नया आया है चलो इसको ठीक करते हैं अपने सांचे में ढालते हैं। इनको पता नहीं था कि मैं ढलने वाले में से नहीं हूँ। तो
अब क्या हुआ कि इन्होंने लाइन में सबको खड़ा किया, उनके हाथ में एक डंडा रहता, अच्छा लकड़ी का मोटा सा डंडा, तो वो एक एक करके सबको मारते हुए आ रहे, जैसे हाथ आगे करो धाड़, हाथ आगे करो धाड़। मेरे पास तक पहुँचे, आई वॉज द फोर्थ नंबर। मैंने कहा सर मारना मत प्लीज़, बात कर लो जो करनी है, मारना मत। मार वार खाने की मेरी आदत नहीं है, मतलब बचपन में बहुत पिटाई हुई है तो मेरे अंदर मैं बहुत भरा हुआ हूँ, अगर आपने मारा तो कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को, तो उन्होंने लिया, बाकी सबके तो यहाँ मार रहे थे, मेरे डंडा लेकर के पीछे या पैर के पीछे काव्स के ऊपर खींच करके मारा, मतलब वो सूज गया था करीब 10-15 दिन तक के लिए, तो अच्छे तरीके से मैं वहीं पे गिर गया, मतलब इतनी तेज पड़ा था कि मैं वहीं गिर गया। फिर मैं खड़ा हुआ, तो फिल्में में देखी थी खड़ा हुआ। मैंने कहा सर मारा क्यों आपने, मैंने कहा था ना मत मारना, मारा क्यों? तो उस बंदे को पता नहीं था कि ये बंदा मतलब इस हद तक चला जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को, उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा मेरे यहाँ, मतलब अच्छे तरीके से घुमा के। और फिर जैसे होता है ना, कुछ देर के लिए तो तारे नजर आ जाते हैं दिल में, हाँ एकदम से कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन फिर जैसे ही थप्पड़ पड़ा, मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा हो गया है, मतलब जो थप्पड़ पड़ा, तो फिर मैंने अपनी टाई ढीली करी, मैंने कहा मार तू, तू पे आ गया था। मैंने कहा ये तो ज़्यादा ही हो गया है, मतलब एक मारा दो मारा, मतलब ये क्या क्या बदतमीजी हो रही है। मैंने कहा मार आज कितना मारता है, टाई ढीली करी, शर्ट बाहर निकाली, शर्ट कैसे करके हल्के से बटन फाड़े, मार। तो अभी मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, बट आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने कैसे बोला होगा स्कूल के ग्राउंड में, और भी जो स्टैंडर्ड के जैसे ट्वेल्थ के और थे लड़के लड़कियाँ, वो आ गए, एकदम से सारी भीड़ आ गई, मतलब सब लोग देख रहे कि क्या हो रहा है, और बहुत तेज़ मैं बोल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक लाउड वॉइस में, मार तो कितना मारेगा। और फिर मैंने देखा मैं भी यहाँ से कांप रहा था, क्योंकि हालत तो पिटाई के बाद में अपने आप ही बॉडी कांपने लग जाती है, ऊपर से गुस्से से बॉडी कांपने लग जाती है, सामने मैंने देखा तो सर भी कांपने लग गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मार ना, तो सोच क्या रहा है, देखता हूँ आज कितना मार, निकाल अपनी पूरी बड़ास, ऐसे करके मतलब पूरा तगड़ा सीन क्रिएट हो गया। इतने में जो उसके जो सीनियर सर थे, पीटी सर दो थे, वो आए मेरे पास में, कहते अरे संदीप रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पानी पियो। मैं कहा क्या पानी, और छोड़ा हो गया। लेकिन जब मैंने उनके साथ ऐसा किया तब मुझे अंदर से लगा बेटा तू तो गया, ये अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं कहा सर देखो ना क्या क्या अंदर, थोड़ा सा संभाल लिया था क्योंकि अंदर से तो मेरी हालत टाइट हो गई थी। मैंने कहा बेटा ये बहुत बड़ा रायता फैला दिया तूने, अब तू गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं यार जो उसने किया बंदे ने, मारा तो है ही और मारना अलाउड नहीं है, ये उस टाइम पे वैसे कॉमन था, लेकिन फिर भी अंदर से था। तो सामने वाला बंदा भी डर गया। फिर थोड़ी देर में वो सर आए, उन्होंने मेरे को रिलैक्स किया, इधर से दोस्तों ने रिलैक्स किया, ये किया वो किया। फिर थोड़ी देर में वो सर आए जिनको जिनके साथ में ये सब कांड हुआ था, उन्होंने भी आके बोला सॉरी संदीप ये वो व्हाटएवर, ऐसी अपनी उनकी आवाज़ थी बड़ी पनी सी, सॉरी आज के बाद ऐसा कुछ नहीं। सर कोई नहीं सर, क्या हो गया सर, हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं सर। सर संदीप देख लो कुछ है तो नहीं ना तुम्हारे मन में, तो नहीं ना, मेरे मन में क्या होगा सर, कोई मेरा तो जो होना था सो हो गया। उसके बाद में जैसे से ऊपर गया पूरे स्कूल में बात फैल गई थी। तो आई बिकेम एन ओवरनाइट, व्हाट डू यू कॉल इट, एज अ हीरो और अ सुपर हीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। जहाँ भी जाता था और देखो वो ही, और बात क्या हो गई, मैंने मारा नहीं था सर को, लेकिन सब कह रहे थे इसने सर को मारा है, सर को मारा है, बात फैल गई, जबकि मैंने मारा नहीं था, मेरे तो खुद की हालत टाइट थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, एनी हाउ। तो लेकिन बात ऐसे फैल गई कि ये वही लड़का है जिसने सर को मारा, सर को मारा, इससे थोड़ा बच के रहना, वट एवर, ऐसे ऐसे करके। तो वैसा एक माहौल बन गया था। तो आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक इस वजह से मुझे 11th में पास कर दिया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो भैया पागल है, ये पता नहीं क्या करेगा, कहीं स्कूल के बाहर जा करके सर को एक मैडम को ना पकड़ ले, वट एवर। कहीं ना कहीं डरते तो वो भी है, राइट, उनके अंदर भी डर होता है। तो उन्होंने मुझे पास कर दिया, लेकिन मेरी उसको फेल कर दिया, मतलब उसकी दो में कंपार्टमेंट आ गई। इसके बाद सीधा ही क्या हुआ कि 12th में टॉप किया किसने, अगेन मेरी वाइफ ने, और उसका नाम 10 साल तक वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे लिखा रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो स्कूल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि 11th में जिसकी कंपार्टमेंट आई थी वो शी वॉज द टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ये थी 12th तक की कहानी। अब 12th में क्या हुआ